भगवान, कभी प्यार से भी बोल लिया कर, क्यों गला फाड़ रही है? आप चुप रहो जी, मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ाओ, वरना आप पर मेरा हाथ उठ जाएगा। क्यों चिल्ला रही है? सांप लड़ गया क्या तुझे बुढ़िया? सांप लड़े तेरी माँ को चुड़ैल? चुप हो जा मोटी, वरना तेरी चोटी पाड़ के ना तेरे दोनों हाथों में दे दूंगी। देख रही हूँ आजकल तेरी जबान है ना चप्पड़ चप्पड़ करके कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। तू हाथ लगा कर तो दिखा, तेरी दोनों टांगे तोड़ कर अगर हाथ में ना दे दी ना तो मेरा नाम भी धनकोरी नहीं। पिताजी आप ना इन्हें समझा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर इन्होंने अब एक लफ्ज भी मेरे आगे निकाला ना तो इन्हें छठी का दूध याद दिला दूंगी मैं, समझी? तो मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, चुप हो जाओ। क्यों जी, आप इस चुड़ैल के आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? हम क्या डरते हैं इससे? आ लेने दो मेरे बेटे को, आज इसकी अकल ठिकाने लगवाऊंगी। ए बुढ़िया, अब तेरा बेटा ना तेरा नहीं है, अब वो मेरा पति है, समझी? और चुपचाप ना अब यहाँ से खिसक ले, वरना मेरा दिमाग खिसक गया ना तो फिर सोच ले कि आगे क्या होगा। क्या कर लेगी तू? लगा मुझे हाथ, लगा ना। अब क्या हुआ तुझे, सांप सूंघ गया? अरे भगवान चुप हो जा, क्यों घर में महाभारत मचा रखी है? आप इस चुड़ैल की तरफदारी कर रहे हो, मैंने कहा चुप होकर बैठ जाओ, वरना जानते हो तुम मुझे। अरे माँ क्या हो गया, तू पिताजी पे गुस्सा क्यों हो रही है? बेटा तू अपनी इस लुगाई को समझा ले, आजकल ना इसकी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है। ए जी आप अपनी माँ को ना अच्छे तरीके से समझा दो, ये मुझसे पंगा लेना ना इन्हें कितना महंगा पड़ सकता है। माँ तू चुप रहा कर, और गुलाबो तू भी, क्यों दोनों घर में तमाशा करती रहती हो? सारे दिन घर में कलह मचाए रखती हो तुम दोनों, पता है पड़ोसी तुम दोनों का तमाशा देखते हैं रोज। वाह वाह बेटा वाह, तू भी अपनी इस लुगाई का गुलाम हो गया। अरे क्या हो गया भाग्यवान, फिर मैं भी तो तेरा गुलाम हूँ। चलो जी अब हम इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकेंगे, जा जा निकल मेरे घर से। नहीं जाती, ये घर मेरे पति का है, समझी? ये घर मेरे पति का है, तू निकल यहाँ से। बुढ़िया तूने मुझे धक्का मारा, तुझे तो मैं बताती हूँ, तू निकालेगी मुझे, तू निकालेगी। गुलाबो छोड़ छोड़ माँ को, गुलाबो मुझे एक बात बता, ये घर किसका है? जी आपका। तो निकल जा मेरे घर से। वाह बेटा वाह, मान गई तुझे, बेटा हो तो तेरे जैसा। अरे धनकोरी ये घर मेरे बेटे का नहीं मेरा है। हाँ जी आपका ही है, तो निकल जा फिर मेरे घर से। वाह पिताजी वाह, मान गए आपको, इन दोनों सास बहुओं ने घर में कलेश मचा रखा था पिताजी, कलेश। और आपको पता है पिताजी, जिस घर में कलेश रहता है ना उस घर में लक्ष्मी आएगी भी कहां से, उस घर में तो नुकसान रहता है हमेशा, नुकसान यानी टोटा। तू ठीक कह रहा बेटा, दोनों को अभी घर से बाहर निकाल, तभी इनको अकल आएगी। हमें माफ कर दीजिए, आप भी मुझे माफ कर दो जी, आज के बाद ना मैं इस घर में कभी लड़ाई नहीं करूंगी। मैं भी नहीं करूंगी, आजा मेरी बेटी। मम्मी जी